ज्ञान के दर्शकों का हमेशा की तरह स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। हिंदू ग्रंथों में भगवद गीता का स्थान हमेशा से सर्वोपरि रहा है। इसकी शक्ति का अंदाजा इसी से लगाइए, कथा प्रवचनों से लेकर घर घर तक जीवन सुधार पर उपदेश, नीति नियमों का जो भी ज्ञान दिया जाता है उसमें गीता का प्रकाश कहीं ना कहीं अवश्य पड़ता है। इस धरती पर शायद ही कोई कोना ऐसा होगा जो गीता के प्रभाव से अभी तक अछूता रह गया हो। ज्ञान का ये वो भंडार है जिसमें इस संसार का सत्य समाया हुआ है। 18 अध्याय और 700 श्लोकों में समाई गीता में लिखी हर एक बात सत्य साबित हुई है। आलम यह है कि भविष्य में अवतरित होने वाले कल्कि भगवान का भी वर्णन गीता में ही मिलता है। भगवद गीता में 84 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की रणभूमि में ये कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतरित होता हूँ। अब जो कि 2022 की शुरुआत हो रही है और ऐसे में लोगों के लिए देखिए अभी भी कल्कि अवतार एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो समय कब आएगा जब भगवान विष्णु अपने कल्कि रूप में इस धरती पर अवतरित होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस प्रकार हिंदू ग्रंथों में कल्कि अवतार को लेकर कई भविष्यवाणियां की गई हैं, ठीक वैसे ही भविष्यवाणियां कुरान में भी मिलती हैं। तो सनातनी धर्म की तरह इस्लाम में भी ऐसी भविष्यवाणियां मौजूद हैं जिसमें बताया गया है कि कयामत से पहले एक शख्स की आमद होगी और उसका नाम होगा मेहदी अल इस्लाम। ऐसे में सवाल उठता है कि हिंदुओं में जिस कल्कि अवतार का इंतजार है, क्या वो मेहदी ही तो नहीं, या फिर इस्लाम में जिस फरिश्ते के प्रकट होने की बात कही गई है, क्या वो भगवान कल्कि तो नहीं। असल में कल्कि और मेहदी दोनों ही मानवता की भलाई के लिए इस धरती पर अवतरित होंगे, और इन दोनों में क्या क्या समानताएं हैं आइए आपको बताते हैं। इन दोनों के ही बारे में कहा जाता है कि ये तब प्रकट होंगे जब दुनिया का अंत सबसे ज्यादा करीब होगा। दुनिया में अच्छाई खत्म हो चुकी होगी और पाप चरम पर होगा, चारों तरफ हाहाकार मचा होगा। कल्कि और मेहदी दोनों के प्रकट होने के स्थान के बारे में भी बताया गया है कि जिस प्रकार कल्कि के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म एक गाँव में होगा, उसी प्रकार मेहदी के बारे में बताया गया है कि वो पूर्व दिशा से आएंगे। भारत अरब प्रायद्वीप के रूप में स्थित है, तो संभवतः मेहदी का जन्म भी भारतीय उपमहाद्वीप में ही कहीं होगा। अब दोनों के बारे में एक और बात जो समान बताई गई है वो है दोनों सफेद घोड़े की सवारी करेंगे। बिजली से रफ्तार और हवा से बातें करते घोड़े पर दोनों सवार होकर आएंगे और पूरे संसार से बुराई का खात्मा करेंगे। कल्कि और मेहदी दोनों के पास ही चमत्कारी तलवार होने का भी जिक्र मिलता है। कहा जाता है दोनों के हाथों में दो दो तलवारें होंगी और इन्हीं तलवारों की मदद से ये दुनिया से बुराई का नाश करेंगे। इस्लाम में ऐसा कहा जाता है कि मेहदी अल इस्लाम के पास हजरत सुलेमान की चमत्कारी अंगूठी होगी, तो वहीं कल्कि भगवान के बारे में कहा गया है कि वो जादुई कौस्तुम्भ मणि धारण करेंगे, कल्कि अवतार लेंगे और उस वक्त इंसान का कद बेहद छोटा होगा, मात्र 1 फीट रह जाएगा, इंसान बौने हो जाएंगे। और इस प्रकार इस्लाम में भी बताया गया है कि जब मेहदी अवतार लेंगे तब इंसान की औसत उम्र महज 7 साल की रह जाएगी। तो कल्कि भगवान की तरह ही ये बताया गया है कि मेहदी के चेहरे पर भी एक विशेष तेज होगा, वो तीखी नाक और चौड़े माथे वाले होंगे। भगवान विष्णु के अवतार कल्कि और खुदा का फरिश्ता मेहदी, क्या दोनों एक है, और इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिएगा।